हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सूफी के जायका में मैं लेके आई हूँ कोफ्ता बनाना। वैसे तो कोफ्ता बनाना सबको आता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो आप एक बार इस मेथड से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है, इसे बारीक पीस लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था और इसके बाद जीरे का पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने भर के तेल ऐड किया। आप तेल मस्टर्ड ऑयल ही डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे बेसन का ऐड कर दिया है। बेसन की जगह आप भुना चना भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। सारा मसाला कीमे में अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए। कीमे में मैंने सारा मसाला मिला लिया है। अब हम इसका कोफ्ता बनाएंगे। सबसे पहले हमें हाथों में तेल लगा लेना है, ताकि कोफ्ता हमारा बहुत ही आसानी से बन जाए और बिल्कुल चिकना बनता है इससे। तो यहाँ पे मैंने इतने बड़े साइज का लड्डू बना लिया है, इट मीन्स कोफ्ता बना लिया है। तो इस तरीके से आप सारे कीमे का कोफ्ता बना लें। देखिए, यहाँ पे मैंने सारा कोफ्ता तैयार कर लिया है। बहुत सारे लोग कोफ्ते को तेल में फ्राई करते हैं, पर मैं तेल में फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कोफ्ते को स्टीम लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में सारे कोफ्ते को ऐड कर लिया और इसे लिड लगा के कम से कम 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 1 मिनट के बाद हमें उसकी जगह को अदल बदल कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो जाएगा। इसे बनने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये इस तरीके से हमें कर लेना है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अब इसे हम लगातार चला के इसका बिरिस्ता बनाएंगे। देखिए, प्याज का कलर हमें इस तरीके का चाहिए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके बाद अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ली थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। सारे मसाले को हमें इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। कम से कम 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। मसाला हमारा जले नहीं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे भूनेंगे। 3 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज का टमाटर लिया है और इसे इस तरीके से कट करके डाल दिया है। अब इसे भी हम कम से कम 2 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे लिड लगाकर हम छोड़ देंगे, ताकि हमारा मसाला है और प्याज वो गल जाए। इसके बाद अब हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे। कोफ्ते को हमें अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करके लिड लगाकर लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि हमारा प्याज और कोफ्ता बिल्कुल अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ता हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। बीच में मैंने एक बारी चला दी थी, ताकि इससे हमारा कोफ्ता जले नहीं। और इसके बाद मैं यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसे अच्छे तरीके से मिला लें, ताकि टेस्ट पूरे मसाले में अच्छे से फैल जाए। तो हमारा कोफ्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी, चावल, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप ये मेथड से जरूर बनाएं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी हमेशा इस तरीके से बनाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, कोफ्ते का कलर कितना अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे
और हाँ, कमेंट, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।